हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिजलर की इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लासेस में। आज की वीडियो में हम आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। 18th सेंचुरी में फ्रांस में फ्यूडल लॉर्ड्स और प्रीस्ट का बहुत ही इम्पैक्ट था। फ्रांस की हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पॉलिटिकल और सोशल अपहीवल और नए नए चेंजेस का एक पीरियड था और इसी टाइम को हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोलते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1799 मतलब 10 सालों तक चला और इस रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग 14 जुलाई 1789 को तब हुई जब रिवॉल्यूशनरीज ने बेस्टन नाम के एक जेल से अपने ऊपर हो रहे टॉर्चर के अगेंस्ट अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई। उस टाइम पर फ्रेंच लोग दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, जेकोबिन्स एंड जिरांडिन्स। जेकोबिन्स रिपब्लिक चाहते थे जबकि जिरांडिन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस रिवॉल्यूशन का एंड तब हुआ जब 1799 में नेपोलियन ने फ्रेंच कमर्शियल एम्बेसी को एस्टेब्लिश किया। नेपोलियन ने खुद को इस एम्बेसी का मेन लीडर बनाया। फ्रांस में रिवॉल्यूशन होने के कई सारे रीजंस थे जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला रीजन ये था कि यहाँ की सिविलाइजेशन और कल्चर बाकी यूरोप के कंट्रीज के कंपेरिजन में काफी ज्यादा प्रॉस्परस थे और इसके साथ ही फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमैटिक था। सेकेंड रीजन ये है कि फ्रांस में एक डिक्टेटर गवर्नमेंट थी जिसमें प्रीस्ट और फ्यूडल लॉर्ड्स की बात बहुत ज्यादा मानी जाती थी। एक तरफ तो फ्रांस के लोग अपने किंग को भगवान का एजेंट मानते थे, वहीं दूसरी तरफ जो राजा था वो पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक था। उस टाइम पर फ्रांस के किंग लुई 16 तो ऑटोक्रेटिक थे ही, इसके साथ ही जो उनकी क्वीन थी वो अलग ही रंगीन थी। उन्हें लोगों की कोई खास ज्यादा परवाह नहीं थी। राजा और रानी मिलकर लोगों पर नए नए टैक्सेस लगाते जाते थे और उन टैक्सेस से जो पैसा आता था उससे राजा और रानी अपनी मस्त लग्जरियस लाइफ जीते थे। अब बहुत ज्यादा टैक्सेस की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, लेकिन किंग को लोगों के बारे में कोई टेंशन ही नहीं थी। अब जब राजा ही अपने लोगों की खून पसीने की कमाई को अय्याशियों में लगाएगा तो फिर जाहिर है कि लोग राजा और रानी के खिलाफ आवाज उठाएंगे ही। थर्ड रीजन ये है कि उस टाइम पर फ्रांस के हर प्रोविंस में अलग अलग टैक्सेस लगाए गए थे और यहाँ तक कि जो अमीर थे और गरीब थे उन लोगों के लिए भी अलग अलग लॉ थे। अब इन टैक्सेस और लॉ की वजह से सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई और इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी की वजह से लोगों में डिससेटिस्फेक्शन होना तो जाहिर सी बात है। फोर्थ रीजन था, फ्रांस में एलीट क्लास और कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट को स्पेशल राइट्स मिले हुए थे। इन स्पेशल राइट्स का यूज वो आम लोगों पर करते थे और लोगों को बेकार में ही टॉर्चर करते रहते थे। इन टॉर्चर्स की वजह से फ्रांस के लोग एलीट क्लास और कैथोलिक चर्च में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। अब लोगों में उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं रह गया था। 1788 में फ्रांस के बहुत सारे पार्ट्स में फेमाइन हुआ जिसकी वजह से लोग भूखे मर गए। यहाँ पर जब लोगों के लिए खाने के लिए खाना ही नहीं था तो टैक्स देना तो बहुत दूर की बात थी, जिसकी वजह से ट्रेजरी की हालत बहुत खराब हो गई। अब किंग को लगा कि इन सबको ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो लुई 16 ने टैक्सेस में चेंजेस किए, लेकिन टैक्स में किए गए इन चेंजेस को पार्लियामेंट में परमिशन ही नहीं दी गई। लेकिन इस बार लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी तो ये डिसाइड किया गया कि इन चेंजेस को ईस्ट जनरल असेंबली की परमिशन से अप्लाई किया जाए। ईस्ट जनरल में तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रीस्ट, एलीट क्लास और आम लोग, जिसमें प्रीस्ट के पास एक वोट, एलीट क्लास के पास एक वोट और सारे आम लोगों को मिलाकर एक वोट होता था। अब ईस्ट जनरल असेंबली में प्रीस्ट और एलीट क्लास दोनों ने अपना वोट एक तरफ कर लिया और आम लोगों की प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह गई, जिससे कि वहां पर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। 16 ने उनको कंट्रोल करने के लिए अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया। इससे पेरिस के लोगों का कंट्रोल खो गया और उन्होंने मिलकर बैस्टिल के किले पर अटैक कर दिया और यहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई और 10 सालों तक ये रिवॉल्यूशन चलता रहा। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया। नेपोलियन एक आर्मी जनरल था। इस रिवॉल्यूशन के रिजल्ट के रूप में फ्रांस में मोनार्की खत्म हुई और डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। फ्रांस के किंग लुई 16 और उनकी क्वीन मैरी को रिवॉल्यूशनरीज ने गिलोटिन से मौत की घाट उतार दिया। इस रिवॉल्यूशन का इफेक्ट फ्रांस और यूरोप तक ही लिमिटेड नहीं था बल्कि इसने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया। इस रिवॉल्यूशन का जो उस समय स्लोगन था, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, अगर ध्यान दिया जाए तो इन्हीं वर्ड्स को आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल स्ट्रक्चर माना जाता है। इस रिवॉल्यूशन ने जहां एक तरफ नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज को दिया, वहीं दूसरी तरफ इसने मॉडर्न डिक्टेटरशिप और मिलिटरिज्म का भी आइडिया दिया।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इम्पोर्टेंस इस बात में है कि इसने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दिया, लेकिन बाद में 1804 में नेपोलियन खुद ही बाद में फ्रांस का राजा बन गया। लेकिन नेपोलियन ने किंग के रूप में कई सारे अच्छे डिसीजंस लिए जिससे वहाँ के लोगों की सिचुएशन काफ़ी बेटर हो गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में चेंज ला दिया, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रिलीजन को स्टेट से अलग करके एक सोवरन स्टेट दिखाया गया जिसमें लोगों की प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिया जाता है। सिमिलरली इसमें मिलिट्रलिज्म को भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया गया। इसी रिवॉल्यूशन की वजह से लोगों की सोच में बदलाव हुआ, जिसकी वजह से 1848 में फ्रांस में सभी लोगों को वोट देने का राइट मिला, जो कि पहले सिर्फ मिडिल क्लास तक लिमिटेड था। और अब फ्रांस में मिडिल क्लास या लोअर क्लास हर कोई वोट दे सकता था। तो ये थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिजिलर। थैंक यू।